NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स सीरीज के अंदर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो हम शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखेंगे। आपको कुछ शब्द हम बताएंगे, उन शब्द पर आपको फोकस करना है। जहाँ पे वो शब्द दिखे वहाँ पे आपको कौन सा आंसर देना है, क्या देना है, किस तरीके से देना है, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो हमारी थ्योरी है थ्योरी हम देखते हैं। देखिए शिक्षण और अधिगम इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं जी, तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। देखिए अधिगम, सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लर्निंग, हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और सीखना इंसान किसी भी तरीके से सीख सकता है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा भी जब मान के चलिए वो जन्म लेता है और वो 3 महीने का होता है तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती ना, उसे लैंग्वेज नहीं आती और कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेट करता है, वो चीज़ों को सीखता है धीरे धीरे। भाई अगर मेरे को भूख लगेगी तो मेरे को क्या करना है, रोना है ना, रो के बच्चा दूध मांग लेगा जी। तो ये चीजें हमें सीखनी है दोस्तों इसके अंदर। और बच्चा क्या है कि बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कुछ भी कोई भी हो, वो अधिगम करता है, पूरी जिंदगी उसका अधिगम चलता रहता है दोस्तों। देखिए अधिगम क्या है, एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है। इसके लिए हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इंसान अपने आप भी सीख सकता है, टीचर से भी सीख सकता है और अपने आप भी सीख सकता है। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नेसेसरी नहीं है कि टीचर होगा तभी वो सीखेगा, नहीं। हम गली में जा रहे हैं और गली में अगर हमें ठोकर लग गई किसी चीज़ से, तो ठोकर खाने से, वो कहते हैं ना ठोकर खाने से अक्कल आती है, हाँ, तो ठोकर खाने से अक्कल आती है, तो वो क्या है अधिगम है वहाँ पे जी। तो इसके अंदर क्या है, मनुष्य जन्म से लेके और मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है जी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये लगातार चलती रहती है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है जी। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि हम चाहे लंदन में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमें चाहे कौन सी भी लैंग्वेज आती हो, चाहे हम अमीर हो चाहे गरीब हो, ये क्या है कि अधिगम हमारा चलता रहता, हमेशा हम कुछ ना कुछ चीज़ सीखते रहते हैं। और अधिगम का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार संशोधन। अब देखिए कोई भी हम चीज़ सीख रहे हैं तो उससे क्या है, हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा ना। हो सकता है कि हम गलत चीज़ सीख रहे हैं, गलत चीज़ सीखने से भी हमारे व्यवहार में नेगेटिव चेंज आएगा, और अगर अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो पॉजिटिव चेंज हमारा आएगा जी।
अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। हमने पहले क्या सीखा है और अब क्या सीखा है, उन दोनों का योग होता है। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अब देखिए, जो अधिगम जो होता है ना, वो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए हमें मैथ के अंदर 80 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। अब टीचर ने हमें समझा दिया, टीचर ने 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है, टीचर ने 4 उदाहरण करवा दिए। उसके बाद में हमारे जो चैप्टर में 10 क्वेश्चन हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन तो हमें खुद करने होंगे ना, 6 क्वेश्चन हम करेंगे तो क्या है, हमारे नंबर 80% आ जाएंगे। तो ये क्या है, अधिगम शिक्षण के अंदर उसको उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं जी। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अब शिक्षण क्या होता है। शिक्षण भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए शिक्षण, जैसे नाम से पता चल रहा है, टीचिंग। अब देखिए इसके अंदर जो हमारी टीचिंग होती है वो एक प्रोफेशनल वे में होती है। शिक्षण विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान कौशल मूल्य विश्वास और आदतों को प्राप्त करना है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, शैक्षणिक प्रक्रिया। शैक्षणिक प्रक्रिया क्या होती है, जैसे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ जाके जो चीज़ें हम सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में हमें चीज़ें सिखाई जाती है। इसके अंदर यहाँ पे है क्या, नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक व्यवस्थित और सिस्टमेटिक वे में चीज़ें सिखाई जाती है। जब हम स्कूल में जाएंगे तो स्कूल का एक टाइम टेबल होगा ना, और उस टाइम टेबल के अनुसार हम सीखते हैं, और उसके अंदर डेली एक रूटीन होता है हमारा, भाई आज ये चैप्टर करें, कल ये, परसों ये, ठीक है, इस तरीके से हम सीखते हैं। लेकिन लर्निंग जो है, लर्निंग के अंदर हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, और लर्निंग के हम कैसे भी सीख सकते हैं लर्निंग में जी। और इसमें देखिए, कॉलेज और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली औपचारिक शिक्षा होती है इसके अंदर, है ना जी। और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्तियों को एक समृद्ध जीवन जीने में सक्षम बनाना है, उनका जीवन सफल हो सके, ये इसका मेन मोटिव होता है जी। तो आपको शिक्षण के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षण और अधिगम का संबंध क्या है, इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, मैं रियली बता रहा हूँ दोस्तों जी। अधिगम और शिक्षण दोनों का गहरा संबंध है एक दूसरे के साथ। शिक्षण वह प्रक्रिया जिसमें ज्ञान और कौशल का विकास होता है, इसमें ज्ञान और कौशल का विकास होता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षित व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल का अपने जीवन में उपयोग करना होता है। अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए। अब देखिए टीचर क्या है, टीचर तो हमें सिखा के चला जाएगा, टीचर क्या है, हमें ज्ञान दे के चला जाएगा, है ना, हमें स्किल सिखा के चला जाएगा। अब ज्ञान देगा हमें टीचर, क्या ज्ञान देगा कि हमें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और लोगों से ऐसे बोलना चाहिए। मैथ का टीचर आएगा, वो क्या है, कैलकुलेशन करना सिखा देगा, है ना, गुना भाग और प्लस माइनस करना सिखा देगा। अब जब इन चीज़ों को हम, प्लस माइनस को जब हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने लगेंगे और इनके द्वारा दिया गया ज्ञान हम अपनी लाइफ में उतारने लगेंगे, हम रियल में अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो वो क्या होगा, अधिगम होगा। अधिगम शिक्षण का परिणाम होता, भाई हमने रियल में उन चीज़ों को सीखा है, अपने जीवन में हमने उनको उतारा है जी। अगर शिक्षण सही तरीके से दिया जाता है तो अधिगम भी अधिक असरदार होता है जी। अगर टीचिंग अच्छे से की जाएगी तो बच्चा क्या है, अच्छे से सीखेगा ना। जैसे हम आपको उदाहरण के जरिए बता रहे हैं सारी चीज़ें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर दोस्तों मज़ा आ रहा है ना तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई जी। अधिगम जीवन भरी शिक्षण प्रक्रिया में जारी रहता है जी। अधिगम जो है शिक्षण प्रक्रिया में हमेशा जारी रहता है। जिस संगठित शिक्षा या फिर अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुभव नैतिकता आदर्श मदद करता है जी। चलिए कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए सिमिलरिटीज। अच्छा, अब एक जो क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, इनके डिफरेंस में से क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही आता है। और बस 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर हम देख लेते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ज्ञान कौशल नैतिक मूल्यों का अभ्यास होता है, जबकि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्यों का उपयोग अपने जीवन में किया जाता है। ये चीज़ मैं अभी पीछे बता के आया हूँ ना आपको। इसके अंदर क्या है, शिक्षण में तो क्या है कि हम ये चीज़ों को सीखते हैं,
ठीक है, सीखते हैं, जबकि अधिगम में हम उसको अंदर अपने धारण करते हैं। समझ में आई ना बात? जैसे मान के चलिए हमने नैतिक नैतिक मूल्यों पे एक प्रस्ताव याद रख लिया है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और वो प्रस्ताव हमने याद रख लिया, नैतिक मूल्य से रिलेटेड ऐसे वो हम लिखे आए, लेकिन उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो क्या लर्निंग नहीं है, वो क्या है, केवल शिक्षण है। जी देखिए, शिक्षण एक कार्य है, शिक्षण एक कार्य है। कार्य मतलब क्या है? मतलब हमें एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। शिक्षण हम ऐसे कह सकते एज ए फॉर्मेलिटी है, लेकिन अधिगम क्या है? उसका परिणाम है। जब हम उसको रियल में अपने जीवन में उतारेंगे तो वो उसका परिणाम होगा। जी शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, जबकि दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है। शिक्षण क्या है? सामाजिक कार्य है ना, इसके अंदर स्कूल के अंदर एक पूरे समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है, पूरा समाज अच्छा बने, हमारा शिक्षित बने, समृद्ध बने, ये कोशिश की जाती है। और ये क्या है? एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, इसमें सिस्टमैटिक वे में सीखा जाता है। जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अकेला व्यक्ति भी सीख सकता है ना, अपने आप बैठा वो अपने आप सीख सकता है, हंसी मजाक में भी सीख सकता है, कैसे भी सीख सकता है, और उसे वो डर के भी सीख सकता है, कैसे भी वो सीख सकता है। जी इसमें केवल व्यक्ति का हित होता है, जो ओनली वन पर्सन होता है उसी का इसमें हित होता है। शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। देखिए शिक्षण के अंदर अधिगम हो सकता है। अब देखिए जब टीचर शिक्षण कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो उसमें क्या अधिगम होगा ना, बच्चे अगर उसको अंदरूनी उतारेंगे तो वो क्या हो गया, वो अधिगम भी हो गया और शिक्षण भी हो गया। ठीक है, लेकिन यह आवश्यक जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ये पॉइंट आगे आएगा और आगे एग्ज़ाम में भी आने वाला है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए कोई टीचर हमें समझा रहा है, ठीक है, कोई टीचर हमें समझा रहा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं करते टीचिंग के ऊपर, तो वो क्या है, वहाँ पर अधिगम नहीं हो रहा ना। टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा नहीं पढ़ रहा, बच्चा अपने जीवन में चीज़ों को नहीं उतार रहा। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षण के अंदर अधिगम हो, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। समझ गए इस पॉइंट को? जी अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। अब देखिए अधिगम, अधिगम मतलब अधिगम क्या होता है? सीखना होता है ना, सीखने के लिए टीचिंग हो सकता है, सीखने के लिए टीचिंग हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ठोकर खाने से अक्ल आती है ना। ठोकर खाएंगे अक्ल आएगी, कुछ मतलब गलत काम हो जाएगा हमसे या जानबूझ के गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, तो हमें क्या है कि वहाँ पे लर्निंग हो जाएगी, हम कुछ ना कुछ चीज़ सीखेंगे, लेकिन वहाँ पे टीचिंग तो नहीं कर रहा ना, कोई टीचर तो नहीं पढ़ा रहा हमें, लेकिन फिर भी टीचिंग हो रही है ना। जी तो अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, हो कैसे सकता है ये और बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए टीचर है, टीचर हमें कोई अच्छी बात बता दे कि बेटा तू ना ऐसा करना, आगे जब जाए ना अपने लाइफ में तो ये काम कर लेना, मेरी इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से हमें चीज़ें सिखाते हैं। जी तो शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जी चलिए तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें भाई, और दोस्तों मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाऊंगा, मॉक टेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो अभी हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना मेरा मोटिव है। जी चलिए, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, ये हम सबसे पहले क्वेश्चन करके आए थे ना। अधिगम लर्निंग, देखिए मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, कौशल अर्जन, व्यवहार संशोधन। ये देखो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर हम अच्छा सीखेंगे तो हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, है ना। अगर गलत सीखेंगे, हम गलत चीज़ों को सीखेंगे तो जेल जाएंगे, खतरनाक बन जाएंगे हम, तो हमारे बिहेवियर में बिहेवियर में चेंज आएगा हमारा। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अब देखो ये बात सही है गलत है, बताओ। अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, अधिगम क्या है, पूरी जिंदगी चलता है ना, मैंने बताया था आपको, अभी हम पीछे करके आए हैं, तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। आगे हम बात करते हैं आर की,
अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे आवश्यक जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है ये देखिए, अधिगम के उपयोगी होने के लिए अच्छा अधिगम कब होगा? जब हम उसको अपने जीवन से रिलेट करके चलेंगे, तभी तो उपयोगी होगा ना, है ना। अगर हम ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे लाइफ में काम ही नहीं आ रही, तो कैसा अधिगम है? तो दोनों की दोनों चीज़ें इसकी सही है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों के दोनों सही है जी। तो दोस्तों आ रहा है मज़ा? अगर मज़ा आ रहा है तो आप बताना भाई पॉइंट बॉक्स में जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम के सबसे प्रभावी कारक कौन कौन से, वो हमें बताने हैं। लर्निंग, कोई भी बच्चा लर्निंग किन किन बेसिस पे करता है? क्या लर्निंग के लिए सरकार रणनीति बनाती है, क्या पॉलिसी बनाती है? लर्निंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, बिना पॉलिसी के, बिना सरकारी नीति के भी हम सीख सकते हैं जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मोटिवेशन ज़रूरी है, तो बच्चों के अंदर जितना मोटिवेशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। एटीट्यूड, किसी चीज़ के प्रति क्या एटीट्यूड है? जैसे यार मेरे को ड्राइविंग पसंद ही नहीं है, यार मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या सीख पाऊँगा? मेरा एटीट्यूड ये है यार मेरे को ड्राइविंग पसंद नहीं है, तो क्या मैं सीख पाऊँगा? क्या नहीं सीख पाऊँगा? किसी चीज़ के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, ठीक है। फिर है इंटरेस्ट, अगर किसी बच्चे को एक्टिंग करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। अगर उसका उसका इंटरेस्ट है खेलों के अंदर, खेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो खेल को ज़्यादा सीख पाएगा। तो ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये है दो है, बी सी डी इसका राइट आंसर है जी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, अगला है हमारा इसके अंदर शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य कथन है? शिक्षण और अधिगम के बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही है वो हमें बतानी है। ये देखिए, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। देखिए अगर टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, उसके सभी स्टूडेंट फेल हो गए, तो क्या है, टीचर भी फेल हुआ ना कहीं टीचर में भी कमी है जी। तो ये इसकी बात हम सही कह सकते हैं। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, ये बात सही है क्या इसकी जी? देखिए टीचर जो भी हम पढ़ाता है ना, उसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ सीखे, उसका समाज सुधरे। हम शुरू में बात करके आए थे ना कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, एक समृद्ध समाज का निर्माण करना। तो टीचर हमेशा सही चीज़ें सिखाता है, लेकिन वो अगले पे डिपेंड करता है, बच्चे पे, उसका मीनिंग क्या निकाल रहा है, वो उसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा। लेकिन हर टीचर का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख के जाएं। ऑप्शन वन और टू दोनों के दोनों सही है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है क्या जी, बताओ? अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है? बताओ 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 बताओ, हो सकता है, इसने सकता की बात कही है, भी पॉसिबिलिटी की बात कही है जी, हो सकता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, जैसे मान के चलिए टीचर तो बता रहा है लेकिन बच्चे सीख ही नहीं रहे हैं, बच्चों का ध्यान ही नहीं है, ध्यान पता नहीं कहीं और है ध्यान, ठीक है। तो ऑप्शन इसका थ्री भी सही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता। अब ये देखिए, ये बात इसकी सही है या गलत, बताओ 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 बताओ, राइट आंसर। शिक्षण के बिना अधिगम हो सकता है क्या? अधिगम मैंने बताया था ना, अधिगम हम कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई टीचर की आवश्यकता नहीं होती। तो शिक्षण के बिना अधिगम हो सकता नहीं हो सकता, ये इसकी बात गलत है जी। कोई शिक्षक शिक्षण करता किंतु वह सीखता भी है जी, ये बात बिल्कुल सही है। टीचर जब टीचिंग करता तो खुद भी सीखता है उन चीज़ों को, ये बात सही है। अगला ऑप्शन है, वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किए जाने वाला अधिगम है जी, गलत बात है। ये बात कर रहा है कि अधिगम का मतलब है जब हम किसी चीज़ को रट लेना, तो वो क्या होगा, हमारा अधिगम होगा। तो ये बात सही है क्या इसकी? गलत है ये इसकी बात जी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन टू होगा, एक दो तीन और पाँच ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से कौन कौन से प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमें बताना है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले शिक्षण एक विक्रय के समान है, अधिगम एक खरीद के जैसा है। चलिए इसको हम एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता,
ठीक है, इसको न्यूट्रल रखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य, ये बात करके आए थे क्या? बताओ भाई, ये हम पढ़ के आए थे ना, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, सामाजिक कार्य है, जबकि अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत कार्य है। ये इसका ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण में अधिगम निहित है, शिक्षण के अंदर क्या है? अधिगम निहित है, क्योंकि शिक्षण जब हम करेंगे, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ सिखाना बच्चों को। जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। अब देखो, अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, तो ये बात इसकी सही है। जी, ये बात इसकी सही है। आगे बात करते हैं, शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसके प्राप्त करने जैसा है। अब देखिए, ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। देखिए, शिक्षण ज्ञान का अंतरण है, इसको इंग्लिश में हम पढ़े तो क्या, टीचिंग इज ए काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। ये देखिए, इसको भी एक टाइम के लिए हम न्यूट्रल छोड़ देते हैं, हम इसके बारे में अच्छे से नहीं कह सकते, ठीक है। शिक्षण एक अंतक्रिया है और प्रकृति में तृप्ति है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। जी, ये भी हम न्यूट्रल के लिए छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो राइट आंसर क्या हो सकते हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमने देखा था ना, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन बी और सी, बी और सी किसके अंदर है? बी और सी एक तो इसके अंदर है, ठीक है, और एक बी और सी इसके अंदर है। अब देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं कि बी, ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, ठीक है। इसके अंदर तो ऑप्शन ये है, ई है, और इसके अंदर है ऑप्शन ए है। अब देखिए, ए सही होगा या ई सही होगा? शिक्षण एक विक्रय के समान है और अधिगम खरीद के जैसा, ये नहीं है दोस्तों, शिक्षण विक्रय के समान नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन टू होगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, कई ऑप्शन अगर आपको समझ में ना आए, भाई इसका ये हमें कन्फ्यूजिंग है, तो आप दो तीन ऑप्शन को लेके भी दूसरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आगे दोस्तों, हमारे काफ़ी क्वेश्चन है भाई एग्ज़ाम के अंदर, ये आए हुए हैं, अगर आप इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये नोट्स आप ले सकते हैं, हमारी ऐप निमिज नेट में मिल जाएंगे। और वहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको पेड कोर्स में जाना है और वहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है और स्पेशल क्लास लिखी हुई मिलेगी आपको, स्पेशल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक फोल्डर मिलेगा आपको नंबर एक पे, उसमें क्लिक करना है। वहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जी हाँ, और इसमें ये देखिए, और हम क्वेश्चन करें, ये देखिए, और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। सारे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अधिगम को सुनिश्चित करना। जी, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये बात तो गलत है ना इसकी। सारा अधिगम शिक्षण का परिणाम नहीं होता भाई, हम अपने आप भी चीज़ें सीखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है और आर क्या है वो गलत हो जाएगा। जी, आगे हम देखते हैं इसके अंदर, ये देखो, यही क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हुआ है, सामाजिक शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम निजी कृत्य। ये देखो, ये हमारा ठीक है ना, हम अभी पीछे करके आए थे, शायद दो क्वेश्चन पहले हम ये करके आए थे। और इसके अंदर हम देखते हैं, जी तो, और इसमें देख लेना भाई, काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी ऑप्शंस है जो आपको रिपीट इसमें मिलेंगे। और हम देखते, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस में प्रभाव की दिशा एक तरफा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे, एक तरफा किसके अंदर होती है वो हमें बताना है। ये देखिए, काउंसलिंग है, काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, दो लोग होते हैं ना। जी, गाइड, गाइड हम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को गाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो गए, दो लोग हो गए, दो तीन भी लोग हो सकते हैं। टीचिंग है, टीचिंग में क्या होगा, एक टीचर होगा और एक स्टूडेंट होगा, इसमें भी दो हो गए। लेकिन लर्निंग क्या है, लर्निंग मैंने आपको बताया कि हम अपने आप भी कर सकते हैं लर्निंग, तो ये क्या हो गया हमारा, वन वे हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। जी, और एक दो और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। जी, सभी शिक्षण में अधिगम, अच्छा ये क्वेश्चन भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन छः, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, ये बात इसकी सही है या गलत है? सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। जी, और अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से उत्पन्न होना चाहिए, ये बात सही नहीं है। ये देखो, ये कह रहा है कि लर्निंग के लिए टीचिंग होना जरूरी है, ये बात बोल रहा है। क्या जरूरी है? क्या नहीं,
हो सकती है, अधिगम के अंदर शिक्षण हो सकता है, लर्निंग के अंदर टीचिंग हो सकती है, बट ये जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन आर इसका जो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है जी। और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा एक और देखो, एक और ऑप्शन इसमें रिपीट हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है भाई, दोनों की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में हमें बताना है जी। ये देखिए, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये देखिए, एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। अब देखिए, एक ऑप्शन हमारा 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये कीवर्ड्स है दोस्तों, इन कीवर्ड्स को आपको याद रखना है, जहाँ पे भी आपको दिखाई देना शिक्षण सामाजिक कृत्य है और अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा राइट है, ये ऑप्शन राइट है। अब देखिए, यहीं से हम क्वेश्चन करें, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसमें हमें पता चल गया ऑप्शन एफ जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए, एफ देखते हैं, एफ किसके अंदर है, ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है जी, कट हो गया। ऑप्शन बी में है क्या, बी में भी नहीं है जी, ये भी कट हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं, सी में है और डी में है, ये देखिए एफ है, एफ है। अब हम बात करते हैं ए सी और डी ई में कौन सा है, ए सी देखते हैं। देखिए हमारा शिक्षण और अधिगम, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ये बात हमने पढ़ के आए हैं हम, ठीक है, ये तो सही है। और आगे हम बात करते हैं सी की, समस्त शिक्षण का सारोकार छात्रों में किस प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हर टीचर चाहता है कि उनके बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखें, है ना, यही उद्देश्य होता है ना, हर बच्चा कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख के जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, है ना, अच्छी लगी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना भाई, और आप कहाँ से, ये भी हमें बताना जी। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500-1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।